नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद, आज उस अपराध के खिलाफ जो हुआ तो हाथरस में है, मगर उसने हिला दिया है पूरे उत्तर प्रदेश को। हाथरस में एक लड़की के पिता को गोलियों से भून दिया गया। हत्या करने वाला शख्स छेड़खानी का आरोपी था, उसने लड़की से छेड़खानी की थी। लड़की ने केस दर्ज कराया था, आरोपी केस खत्म करने का लगातार दबाव बना रहा था। लड़की के पिता नहीं माने तो आरोपी ने उन्हें जान से मार दिया। इस हत्या ने हाथरस के माथे पर एक और कलंक लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की गुहार लगा रही है, सुनिए पीएम साहब, सुनिए सीएम साहब, सुनिए डीएम साहब। इस बेटी के पिता को इसके सामने ही गोली मार दी गई। बेटी कत्ल का इंसाफ मांग रही है, सरकार इंसाफ दो। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़के मेरे पापा को गोली मारी। हे सूबे के सूबेदार, इस कराहते हुए कंठ को सुना आपने। इस पुकार में दर्द से ज्यादा दहशत है। ये पुकार बताती है कि अपराधी सूबे से तड़ी पार नहीं हुए। ये पुकार बताती है कि अपराधियों में न कानून का खौफ है, न पुलिस की परवाह। चाहती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले, बस जैसे उन्होंने मेरे पापा को मारा है उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिले। उन लोगों को यहाँ गोली पड़े, सीधे यहाँ पे। हाथ फैलाकर इंसाफ की गुहार लगाती ये बेटी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। इसी हाथरस के थाना सासरी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में बेटी के पिता आलू की खुदाई कर रहे थे, तभी 6-7 लोग यहां पहुंचे और उन्होंने बेटी के पिता को गोलियों से भून दिया। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मार दिया। गोली लगने के बाद जख्मी शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले वो दम तोड़ चुके थे। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसके गोली मार के इन्होंने हत्या कर। मैं हाथरस के नौजरपुर गांव में मौजूद हूँ। 1 मार्च को 4:30 बजे इस खेत में जो वारदात हुई, उससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। दरअसल अपने इस खेत में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आलू की जो कोड़ाई है वो चल रही थी, अपने इस खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान 4 लोग आए और पहले उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद जो चारों लोग थे वो पर उनमें से एक शख्स ने ताबड़तोड़ 6-7 गोलियां मार दी। ये कत्ल यूं ही नहीं हुआ था, इस कत्ल के पीछे भी एक स्याह अतीत था। आरोपों के मुताबिक बेटी के पिता को गौरव शर्मा नाम के शख्स ने गोली मारी। गौरव शर्मा ने इसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। उस मामले में गौरव शर्मा पर केस हुआ था, उसी केस का बदला लेने के लिए आरोपी ने गोली कांड किया। 2018 में केस चल रहा था, उसके बाद में फिर इसलिए कुछ नहीं किया, जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। हाथरस पुलिस भी मृतक की बेटी के आरोपों की पुष्टि कर रही है। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा के खिलाफ लड़की के पिता ने 16 जुलाई 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। उसी महीने गौरव शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद उसे जमानत मिल गई। तभी से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव चलने लगा। इसी मनमुटाव ने हिंसक रूप लिया। वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी गांव के मंदिर गए हुए थे, वहीं पर मृतक की दोनों बेटियां भी थी। छेड़छाड़ वाले विवाद पर दोनों पक्ष की महिलाओं में कहा सुनी हुई। थोड़ी देर में गौरव शर्मा और लड़की के पिता पहुंच गए, इससे सुलह की जगह कहा सुनी और बढ़ गई और मामला खूनी हत्याकांड तक पहुंच गया। जो ये मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहा सुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद
आवेश में आकर अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस एक्शन में है। गौरव शर्मा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ललित शर्मा नाम का एक आरोपी गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। योगी सरकार ने आरोपियों पर NSA लगाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। कुमार अभिषेक और अरविंद ओझा के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। और इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। मोहसिन रजा, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं, और साथ ही मृतक की बेटी और पीड़िता, जिनका नाम हम बदल रहे हैं, गुड़िया कहकर हम उनको संबोधित करेंगे, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले गुड़िया, आपका ही रुख करते हुए, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NSA लगाने के आदेश दिए हैं आरोपियों के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पापा की चिता भी जल गई, अभी तक वो आरोपी नहीं पकड़ा गया। मुझे बस वो आरोपी चाहिए, मुझे बस वो मृत चाहिए, मुझे बस वो, जैसे उसने मेरे पापा को मारा, मुझे बस वो पैसा चाहिए। गुड़िया, क्या हुआ था? पकड़ा नहीं गया वो, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पकड़ा गया वो। आपके पिता आलू की खेत में काम कर रहे थे उसी दौरान कल, जी बताइए विस्तार से। हाँ, और मैं और मेरी सिस्टर चामर मैया को नहलाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे इसकी गौरव की पत्नी और इसकी जो मौसी है और मौसी का लड़का और चाचा का लड़का वहीं मौजूद थे, तो वो लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए, वो लोग वहाँ से गए नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपने सिस्टर से कहा चलो हम, ये लोग तो जाएंगे नहीं, हम माता रानी को नहला के हम चलते हैं। तो हम लोग नहला के फिर हम अपने 12 पे आ गए, तो ये लोग पहले से कमेंट बाजी वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दी, गाली गलौज टाइप की दोनों ने, इसकी मौसी ने, इसकी वाइफ ने, और फिर ऊपर से वहाँ 12 पे आके फिर इन्होंने कमेंट बाजी शुरू कर दी। तो मैंने सिर्फ इसे ये बोला, मैं कहा लिमिट में रह थोड़ा सा तमीज में। तो इसकी मौसी मेरे पास आई लौटते हुए, एकदम वहीं पे साइड में हमारी आलू की खुदाई चल रही थी, पापा वहीं पे थे कि तू तमीज में रह, और गाली गलौज मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, पता नहीं सबके लिए करने लग गई। फिर पापा आ गए, तो पापा ने भी उन्हें फटकारा कि हमारी खेतों पे होके हमें धमकीबाजी दे रहे हो, ये वो, चले जाओ यहाँ से, ये वो। तो वो पापा को भी धमकी देने लगी कि तेरा शाम तक मैं ये करवा दूँगी, तेरा शाम तक मैं वो करवा दूँगी। और जो उसकी मौसी थी रमा और जो उसकी वाइफ थी शीतल, वो भी धमकी दे रही थी कि, और जो उसका वो था मौसी का लड़का निखिल, वो धमकी दे रहा था कि 10 मिनट में मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। उसके बाद पापा ने हमें घर पे भेज दिया कि तुम लोग घर पे जाओ, गेट वेट बंद कर लेना, जो भी है मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर पापा के पास उस गौरव की कॉल जाती है धमकी भरी कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ अलीगढ़ से, और मैं ये कर दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे ये करूँगा, वो करूँगा, धमकी भरी कॉल करता है पापा को। उसके बाद मेरे पापा से बात होती है, तो पापा ने मुझे बताया कि उसकी कॉल आई थी धमकी भरी। तो उसके बाद फिर मैंने धर्मेंद्र दीवान जी को कॉल किया, मैंने कहा सर, मैं कहा अंकल जी कि वो, मैं कहा वो उसने 1 घंटे के लिए बोला है कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, वो धमकी दे रहा है और आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरी गाड़ी लेट हो जाएगी तो आप 112 पे कॉल कर देना, वो आपके 5-7 मिनट में पहुँच जाएगी उसी लोकेशन पर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो ये 12:30 बजे के समथिंग मैंने उनके पास कॉल किया था, धर्मेंद्र दीवान जी के पास। तो उस लड़के ने 1 घंटे की धमकी दी थी, 1 घंटा हो गया था। फिर 3:30 बजे के समथिंग मैं और मम्मी 3-3:30 बजे के समथिंग पापा को खाना देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे थे, तो उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही वो लड़का अपनी गाड़ी से आता है और गाड़ी को पुल के पास खड़ी करता है वहीं दूर, और वहाँ से वो लोग उतर के आते हैं। वो गौरव था, निखिल था, ललित था, और वो लोकेश पंडित और ये रोहतास पंडित, ये सब लोग, और भी 1-2 लोग थे, वो लोग निकल के आते हैं वहाँ से और पापा को बोलते हैं वहाँ आके कि मैंने तुझे फैसले के लिए बोला था, मैंने तुझे कहा था कि फैसला कर ले, फैसला कर ले, मैंने कहा था केस वापस कर ले, ऐसे बोलता हुआ पापा में गोली मार देता है वो, और पापा में फिर पापा गिर जाते हैं वहीं पे।
तो पापा में दो गोली मारता है। आप लोग वहीं पर खड़ी थी और फिर उसके बाद पापा को ऐसे हिला के गोली मारी गई, आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, हम लोग वहीं पे थे। उसने हाँ, पापा खेत में थे, हम लोग टूवेल पे थे, थोड़ा सा दूर थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था मैम। और वो उसने मम्मी को भी गोली मारी थी, तो मम्मी थोड़ा सा मम्मी गिर गई थी, तो मम्मी की साइड से होके निकल गई थी गोली, मम्मी को लग नहीं पाई। फिर वो सब लोग सबके हाथों में हथियार थे और किसी के हाथ में तो दो दो राइफल दी उन्होंने सब ने। फिर पापा को मारी गोली ऊपर से, फिर पापा के लास्ट में आके पापा के पास आके पापा की कनपट्टी पे गोली मारी थी मैम उसने। पापा जब तक चल रहे थे, जब तक कनपट्टी पे गोली नहीं लगी थी तब तक थे पापा। जैसे पापा की कनपट्टी पे गोली लगी, दो बार मारी पापा गोली नहीं रहे। फिर पापा दो बार मारी गई थी गोली, आप बता रही हैं? हेलो, आपने कई सारे फायर हुए थे जिस समय आपने कहा कि पहले महिलाओं में आपस में झगड़ा हुआ मंदिर में मारी थी, उसके बाद उसने धमकी दी और फिर खेत में जब आपके पापा काम कर रहे थे उस समय वो शख्स पांच लोगों के साथ पहुंचता है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है। एक गोली कनपट्टी पर लगी जिसके बाद अस्पताल में जब ले कर जाया गया तब हाँ। आपके पिता को मृत घोषित कर दिया गया और ये सब कुछ आपने और आपकी माँ ने अपनी आंखों से देखा है। ये जो गौरव नाम का शख्स है या जिन पांच लोगों का आपने नाम ले रही है गौरव के साथ, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जैसा कि आपने आज दिन में मीडिया से बात करते हुए बताया भी था? ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसकी फेसबुक आईडी पे भी मैंने देखा था, उसी से जुड़ा हुआ है और इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। और इसकी इतनी औकात नहीं है मैम जो मेरे पापा को दिन दहाड़े गोली मार दे, इसके ऊपर नेताओं का हाथ है तभी इसकी इतनी औकात, इसकी हिम्मत हुई है। ये बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसने शुरू से धमकी दी है हमें नेताओं की, मेरे साथ ये नेता है, मेरे साथ वो नेता है, मेरे साथ इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये कर देंगे, मुझे तुरंत छुड़ा लेंगे, ये कर देंगे, इसे किसी चीज़ का डर नहीं है इसमें। ठीक है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, पूरे मामले में आप इंसाफ की मांग कर रही हैं सरकार से, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मोहसिन रजा साहब, आपको जवाब देना होगा, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, अब ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, ट्विटर पर भरमार है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, आपके मुखिया की, कि इंसाफ चाहिए हाथरस की बेटी को, सुन लिया? आप ही का नेता जिम्मेदार है इसके लिए और आंखों देखा हाल बता रही हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है बहन, आंखों देखा हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहले भी आपने देखा होगा हाथरस में जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो रात के अंधेरे में इन्होंने बेटी की लाश जला दी थी और कह रहे थे कि बेटी के साथ अन्याय हुआ नहीं। अरे अभी की तो बात कर लीजिए, वो लाइव आपको सुन रही हैं, वो लाइव आपको सुन रही हैं, अभी मौजूदा स्थिति क्या है उस पर बात कीजिए ना। वो कह रही हैं समाजवादी पार्टी के का कार्यकर्ता है वो शख्स, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है अनुराग भदौरिया। आप लाइन पर रहिए, बिल्कुल नहीं मैं आपको भटकने दूंगी, आप लाइन पर रहिए। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, लाइन पर बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिले? आप झूठ बोल रही हैं चित्रा जी। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, सब तो मृतक की बेटी है वो बोल रही है, वो पीड़िता खुद सुन रही है, वो पीड़िता खुद। अरे दो शब्द उनके पिता के लिए बोलिए मरहम के अनुराग भदौरिया। बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बीजेपी की बैटिंग करनी है। बोल दीजिए आपके, आपको बीजेपी की बैटिंग करनी, नहीं बोलने देना। अरे बीजेपी की सरकार, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया, अपनी बात रखिए। ठीक है, हत्याएं हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, हो रही है, बलात्कार हो रही है, बच्ची के फादर को मार दिया गया, आप हथियार अभी तक फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है। मैं दिखाऊं बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो, जो आप मुझसे पूछ रही है बार बार, है तो दिखाइए, मना किसने किया है? दिखाइए, नहीं दिखाई, देखिए ये कौन से नेता है बीजेपी के, कौन से नेता है वहाँ के, बीजेपी के विधायक के साथ, मैं सबके साथ फोटो दिखा दे रहा हूँ। कौन है ये, कौन है बीजेपी के, ये कौन है बीजेपी के, मैं सारी फोटो तो दिखा दे रहा हूँ। कौन है बीजेपी के सांसद विधायक नेता? ये इस तरह के जो लोग होते हैं, बोलना चाह रही है बुढ़िया, कुछ बोलना चाह रही है आपके, आप इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं ना कि आपको कुछ जवाब देना चाह रही है, पर सुन लीजिए। दो शब्द उनके लिए भी उम्मीद कर रही थी अनुराग भदौरिया कि कम से कम उस बेटी के न्याय के लिए दो शब्द आप बोलेंगे, लेकिन नेताओं के साथ फोटो लेकर बोल लीजिए। गुड़िया बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? उसके जो बीजेपी के नेताओं के साथ जो उसकी फोटो है वो अपने शौक के लिए डालता है। एक दो फोटो पड़ी हुई है उसकी, और सतीश जो है यहाँ अलीगढ़ का, उसके साथ पड़ी हुई है उसकी फोटो एक दो और लोगों के साथ पड़ी हुई है, लेकिन उसके आईडी आप ओपन देख लीजिए, वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है।
समाजवादी पार्टी से। मृतक की बेटी गुड़िया पर कह रहा है अनुराग भदौरिया, एक सेकंड सर सुन लीजिए आप, हाँ, पहले बात को, हाँ, है ना, पूरे मामले को आप घुमाने का और दूसरा रंग देने का कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एंकर पर सवाल मत उठाइए। इनका ये कहना है कि वो शौक के लिए इस तरह की फोटो बीजेपी के नेताओं के, ये मेरे शब्द नहीं है, आप सुन रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आप प्रोफाइल पर जाइए और प्रोफाइल पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसने लिखा है या फिर नहीं लिखा है। अच्छा देखिए, कोई प्रोफाइल पे समाजवादी का कार्यकर्ता डाल देगा तो क्या कार्यकर्ता हो जाएगा? कोई अगर नेता के साथ फोटो, हमारे किसी नेता के साथ लाल टोपी में फोटो है तो बताइए कोई व्यक्ति? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको समाज, आप उसको पकड़ के जेल में डालो, उसको शूट कर दो, किसने रोका? जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है मोहसिन रजा साहब? बीजेपी को किस बात का इंतजार किया जा रहा है? इकबाल खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। जेल में क्यों नहीं, सिर्फ एक ही आरोपी पकड़ा गया है जो मेन आरोपी है, अब तक वो फरार है। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लेकिन मौसम रजा इसका जवाब, ठीक है अनुराग भदौरिया थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर चुप रहिए प्लीज प्लीज। भदौरिया जी बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है, महिलाओं को लेकर किसी परिवार से संवेदना नहीं है, उस उनके पति उनके पिता की हत्या कर दी गई, उस बच्ची के साथ जिस तरह से छेड़खानी की गई थी, हमारी योगी सरकार ने उस वक्त कानून के दायरे में उसको जेल भेज दिया था, जब पहली घटना हुई थी वो जमानत पर छूट कर आया था, और आज भी आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि इसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, एक को पकड़ लिया गया है। आपकी जो पुलिस है वो मुख्य आरोपी को पकड़ेगी कब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मैंने देखिए चित्रा, जैसे आपने कहा पकड़ेगी कब, जैसे पहले पकड़ के जेल भेजा था आज फिर पकड़ लेंगे, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, ये घटना के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, इनका संरक्षण कहाँ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे भदौरिया जी चीख रहे थे, ये देख लीजिए भदौरिया जी, ये कल आपके नेताओं को कौन लोग ने बुलाया है, ये किसका नेता है, किसके साथ इसकी फोटो है, कौन लोग हैं, इसको देखिए और पूरा देश देख ले, ये क्या है, ये क्या चीज है। भदौरिया जी भी दिखा रहे थे, ये मैं दिखा रहा हूं, ये पोस्टर लगे हैं, जिस पोस्टर के बारे में वो बेटी बता रही है, ये पोस्टर कौन बता रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये भी देख लीजिए। तो इसलिए आप प्रमाण मत दीजिए, आपसे प्रमाण कोई नहीं मांग रहा है, आपके नेता कहा करते थे जब बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थी प्रदेश में, तो आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों से पिता से जुड़ा हुआ मामला है, थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता आप दोनों लोग दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, एक बार मौसम रजा की बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। आज आप देख रही है पूरा देश देख रहा है, शर्म आनी है, भदौरिया जी को शर्म आना चाहिए इस मुद्दे पर, उस बेटी के सामने किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये यहाँ पर राजनीति साध रहे हैं अपने नेता को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी का वो नेता है जो महिलाओं को सम्मान नहीं बचा पाई है, और अपनी यही चरित्र है, आपके नेताओं ने यही किया है प्रदेश में, घूमने वालों अब तो वो बेटी बैठ कर बोल रही है टीवी पर लाइव, इससे ज्यादा उस बेटी की आवाज पूरे देश ने सुनी है, किस मुंह से बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, शर्म आना चाहिए आपको, अलीगढ़ में घटना हुई, आपको शर्म आना चाहिए भदौरिया जी। एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे प्लीज, आप दोनों लोगों से ही निवेदन है और कम से कम इतनी संवेदनशीलता आप बरतिए, एक बेटी जिसने अपने पिता को खोया हो, एक सेकंड सर, गुंडों ने सरेआम उनकी आंखों के सामने उनके पिता को मार दिया हो और आप लोग इस तरह से तूतू मैमे की और अपनी राजनीति चमकाने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया, मनीष जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अनुराग भदौरिया लेकिन आप बच के नहीं जा सकते, अनुराग भदौरिया आप कितना भी शोर कर लीजिए आप बच कर नहीं जा सकते, मोहसिन रजा की बातों को किनारे कीजिए, जो बेटी बोल रही है आप उसको सुनिए, अनुराग भदौरिया जो बेटी बोल रही है आप उसको सुनिए, उसका ये एक सेकंड मैं फिर रिपीट करूंगी, अनुराग भदौरिया आपने एक लाइन में नहीं कहा कि अगर वह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको भी पकड़ कर जेल में डाला जाए, आपने तो पल्ला ही झाड़ लिया, आपने सीधे कह दिया कि वो तो कार्यकर्ता ही नहीं हो सकता, और फोटो खिंचवाने का मतलब ये तो नहीं कि कोई अपनी प्रोफाइल लगा ले तो वो हमारा नेता हो गया, सर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं,
ठीक है, मैं मनीषा आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से गुड़िया आपका रुख करते हुए शांत रहिए थोड़ा। देखिए दोनों ही नेताओं को आप सुने थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का यह कहना है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप कब से जानते थे इस शख्स को, 2018 में आखिर ऐसा क्या हुआ था, छेड़खानी का वो मामला जो आज सुबह हम सब ने आपके मुंह से सुना था, मैं चाहूंगी कि आप उसको बताएं, जिसके बाद इसको जेल भी जाना पड़ गया था, क्या हुआ था 2018 में? और अनुराग भदौरिया का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, उसने फेसबुक प्रोफाइल अपने मन से लगा ली होगी। गुड़िया, दो हज़ार अठारह में ये हुआ था, मैं घर पे अकेली थी तो ये आया था राइफल लेके और इसने मेरे साथ छेड़खानी की थी और इसने मुझे बंदूक दिखा के धमकी दे के ये भाग गया, तो मैं अकेली थी। उसके बाद मैंने पापा को बताया तो सब जब तब जाके हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उस टाइम की केस दर्ज कराया था, तब ये उसके चक्कर में जेल भी जा चुका है। एक महीने बाद फिर ये छूट गया था। उसके बाद फिर इसने मेरे पापा को एक बार खेत पे, फिर मेरे पापा के पीछे ये भागा था, मेरे पापा निकल आए थे वहाँ से, फिर उसके बाद इसने लगातार धमकी देने का नंबर लगाया था, फिर बीच में ये शांत हो गया था, फिर अब कल ये ड्रामा हुआ है आज अब इसका। और एक लाइन में, और ये समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करता है मैम, ये समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करता है। अनुराग भदौरिया, आप मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल जवाब जरूर दीजिए। 2018, 2019, 20 और हम 21 में हैं, यानी कि गुड़िया कई सालों से उनको जानती हैं और वो अपनी बातें इतनी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कह रही हैं, तो मैं उसी तरह की उम्मीद अनुराग आपसे भी करूंगी। मनीष शुक्ला जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपकी पुलिस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस अब तक लचर और नाकाम क्यों रही है आरोपियों की गिरफ्तारी में, 5 में से सिर्फ 1 आरोपी ही गिरफ्तार अब तक क्यों हो पाया है। आज हम बात कर रहे हैं हाथरस में एक लड़की के पिता को गोलियों से भून दिया गया, बेटी और पत्नी के सामने ही, हत्या करने वाला शख्स छेड़खाने का आरोपी था, उसने लड़की से छेड़खानी की थी, लड़की ने केस दर्ज कराया था, आरोपी केस खत्म करने का दबाव बना रहा था, लड़की के पिता जब नहीं माने तो आरोपी ने उन्हें जान से मार दिया। इस हत्या ने हाथरस के माथे पर एक और कलंक लगा दिया है और इसी पर चर्चा लगातार जारी है। ये दोपहर की तस्वीरें अपने आप में बेहद विचलित और परेशान करती हुई। आप अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, मोहसिन रजा साहब मंत्री यूपी सरकार के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मनीष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले गुड़िया, एक बार फिर से आते हुए, जब धमकी भरा कॉल आपके पिता के पास गौरव नाम के शख्स का आया तो आपने दारोगा को फोन किया, आपके पिता की ओर से दारोगा को पूरी बात बताई गई और क्या उन्होंने ये कहा कि 112 पर कॉल कर लो? गुड़िया, हाँ, मैंने धर्मेंद्र दीवान जी को कॉल किया था। धर्मेंद्र दीवान कौन है आप बताइए? तो उन्होंने मुझे ये बताया था 112 पे कॉल कर लेना, वो यही चौकी के इंचार्ज हैं। ठीक है, गवानो चौकी के। उन्होंने क्या कहा आप लोग, आपकी क्या बात हुई और उनके बाद उन्होंने कहा कि 112 पर कॉल कर लो, फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा था कि अगर कोई बात होती है तो 112 पे कॉल कर लेना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अभी कर लो, तो उन्होंने कहा जब कोई बात होती है अगर वो आ जाता है तो तुरंत 112 पे कॉल कर देना, तो तुरंत पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। और आपने जब फोन किया तो आपने क्या कहा चौकी इंचार्ज से? मैंने उनसे यही कहा था कि सर वो धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि 1 घंटे में आ रहा हूँ, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा पापा को, आप बताओ, आप आ जाओ। तो बोल रहे थे कि 112 पे कॉल कर देना और गाड़ी वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी मेरे पे अगर वो आता है तो। मोहसिन रजा साहब, निकम्मेपन के इंतहा समझते हैं आप? धमकी दे रहा आएगा नहीं, धमकी भरा कॉल जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और जो चौकी इंचार्ज है वो कहते हैं कि अगर वो आता है तब 112 पर कॉल कर लेना, इसको निकम्मेपन के इंतहा कहा जाता है मोहसिन रजा साहब, ऐसी है आपकी पुलिस? देखिए चित्रा, आप इस तरह से जैसे कह रही हैं, यही पुलिस है जिसने इसी अपराधी को तत्काल पकड़कर भेजा था, एक अपराधी को पकड़कर भेजा है और आज पूरी सुरक्षा प्रदेश को दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान और जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के ही नेता ने हत्या की और आज ये वहां पर पॉलिटिकल टूर करने नहीं जाएंगे हाथरस, क्योंकि इन्हीं के नेता का नाम आया इस हत्या में, इन्हीं का नेता शामिल है। और जो आपने बात की, अगर हमारे उस पुलिस अधिकारी ने उनको बताया कि 112 इसका मतलब है कि 112 जो है
वो हमारी पुलिस सहायता के लिए हर जगह हर वक्त मौजूद है कि जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए उनको ये नंबर दिया गया था कि हम तो पहुंचेंगे, लेकिन आप 112 पर भी बात कर देना क्योंकि सूचना मिल गई। लेकिन 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 सुनिए, देखिए अगर व्यस्तता की बात तो वो खुद बताएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि शर्म आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी भी शर्म नहीं आ रही है, वो बेटी बैठी हुई है जिसके बाप की हत्या कर दी गई है। अपने यही टोपी वाले लोग हैं, यही टोपी वाले लोग हैं जिनको लेकर पूरा प्रदेश परेशान है, पूरे प्रदेश के लोग इनकी टोपी वालों से परेशान है। इन्हीं टोपी वालों ने ही गड़बड़ किया हुआ है। आज की हत्या में टोपी वालों का ही नाम आया और बड़ा बुरा लगता है टोपी वाला ना कहा जाए। अरे भैया, ये टोपियाँ है ना, सुरक्षित नहीं है, टोपियों से लोग भयभीत हो गए थे, लोगों ने उखाड़ फेंका है। आप मुद्दे पर डायवर्ट करना चाहते हो, शर्म आना चाहिए कम से कम। वो बेटी बैठी सुन रही है, आपकी पुलिस आज कानून का राज है, हत्यारे को जेल भेजेंगे और न्याय मिलेगा उस परिवार को, पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है। लेकिन आपको शर्म आना चाहिए, कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए पूरे प्रदेश से। और आप बैठ कर बैठ कर रहे ऐसे संवेदनशील मामले में आपको शर्म नहीं आ रही थोड़ी संवेदनशीलता का परिचय देंगे। अनुराग भदौरिया, बहुत सारे सवाल अभी आपसे किए जाने बाकी, आप चिंता मत कीजिए, बोलने का पूरा मौका देंगे। लेकिन उस बेटी की ओर से बार बार कहा जा रहा है सपा का वो नेता था, इस पर तो आपके बोल फूट नहीं रहे हैं। आप उसको लगातार मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लौटूंगी सर। आपका भी जो चाल चरित्र चेहरा है ना इस पूरे मुद्दे पर, वो बेनकाब होना चाहिए। लेकिन मनीष शुक्ला, आपका रुख करते हुए, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। फोन किया जाता है परिवार की ओर से, ये कहा जाता है कि हमें इंसाफ चाहिए, वो धमकी दे रहा है, वो आके मार सकता है, और वो कहते हैं 112 पर कॉल करो, अगर वो आता है तो। 112 पर कॉल करने का समय मिला क्या इस परिवार को? आया उसने फायरिंग कनपट्टी पर बंदूक कांधी, अगर आपके चौकी इंचार्ज की ओर से सक्रियता दिखाई गई होती तो आज उनके पिता जिंदा होते। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा उनको बोल लेने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पीड़ित बेटी के साथ खड़ी है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 3 अन्य नामजद और 2 अज्ञात जो है उनको भी उसी स्थान पर भेजा जाएगा विधिक दायरे में रहते हुए, जहां जाने के वो लायक है। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको वहां भेजा गया है जहां जाने लायक रहा है। लेकिन बेटी जब आपके चैनल पर कह रही है और उसके कहने के बाद भी कोई सबूत चाहिए है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी अपने प्रेस वार्ता के दौरान और अभी अनुराग भदौरिया ने जिस तरीके से पत्रकारों को ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये लोग ऐसे नाजुक मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो पूरी जनता देखती है। हम लोग जिम्मेदार दल के लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है उन अपराधियों पर कार्रवाई करने की, हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। एक बात जरूर कहेंगे कि जो माफियाओं और अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होती है? अखिलेश यादव की होती है। कहते हैं कि ठोको नीट क्यों है सर, उनकी समस्या का ध्यान रखकर आप कार्रवाई करेंगे क्या? अब नहीं, 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 क्या सपा का नेता हो या किसी का भी नेता हो, चित्रा जी पहली बार हमने कही सलाखों के पीछे होना चाहिए था, किसका हाथ है उसके ऊपर? अपराधियों को वहां भेजा जाएगा जहां जाने लायक है और हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है ये। अनुराग भदौरिया जी, थोड़ी भी लज्जा और शर्म हो तो चिल्लाना बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, मैं लौट रही हूं। सबसे ज्यादा सवाल आज आप ही से पूछे जाने चाहिए। मैं लौट रही हूं अनुराग भदौरिया, आप चिंता मत कीजिए। आपके घर की महिलाएं देख रही होंगी, जब आप वापस जाएंगी ये चैनल से तो क्या कहेंगी आपको? अरे वो बेटी बैठी हुई है चैनल पर, वो बेटी बैठी हुई चैनल पर, इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया। इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए, इतनी निर्लज्जता ठीक नहीं है जी। मनीष शुक्ला जी ठीक है, अनुराग भदौरिया सवाल सुनिए, बहुत देर से आप चीख और चिल्ला रहे हैं। उस लड़की ने कम से कम 5 से 6 बार बीते आधे घंटे से ज्यादा के वक्त में ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। सुनाई नहीं दे रही है ये बात आपको? जंगल राज के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, जंगल राज के आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, उनके शासन में जंगल राज कौन कर रहा है?
किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आपके मना कर देने से होगा, जो व्यक्ति है वो सामने बैठकर चीख चीख कर बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया, वो बच्चे बता रही है। निर्लज्जता की हद है अनुराग भदौरिया, बढ़ सकता है क्योंकि पुलिस बैठी बैठी है बैठी हुई है सामने, उसका तो लिहाज कर लीजिए आप। दीवान जी जाते वो लड़की सुन रही है आपको अनुराग भदौरिया, कम से कम उनका तो लिहाज करें आप। के साथ घूम रहा है, बीजेपी के सांसद विधायकों के साथ घूम रहा है फोटो डालता हुआ, तभी उसकी इतनी हिम्मत थी, वरना पुलिस वहां नहीं जाए। पुलिस उसके बहकावे में नहीं गई, उसके कहने पे पुलिस वहां नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के अंडर में पुलिस आ रही है। और पुलिस की इतनी हिम्मत कि पुलिस को बच्ची फोन करती है पुलिस नहीं जाती है, इसके मतलब पुलिस की मिली भगत हो सकती है उस हत्यारे के साथ। जो पीड़िता बैठी हुई है अनुराग भदौरिया, उन्होंने कई बार कहा कि वो समाजवादी पार्टी का नेता था। मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रही है, नहीं नहीं आप टू द पॉइंट अनुराग भदौरिया, टू द पॉइंट क्या वो झूठ बोल रही है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, क्या वो झूठ बोल रही है? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी अपनी निकम्मापन छिपाना चाहती है, ये पुलिस अपना निकम्मापन छिपाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से लेके गई है दरोगा जी, वो समय से पहुंच गई, इसलिए इंटरनेट की बातें करना चाहते हैं। जब हथरस की घटना पहली हुई थी, यादव से सवाल पूछने वाला पत्रकार रखे गए हैं अनुराग भदौरिया, आप किस तरह के रवैये से आपको ये बोलना चाहिए था कि वो किसी भी पार्टी से हो उसको तुरंत सलाख हो गए। हैरान हो रही हूँ मैं जिस तरह से पल्ला झाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश आपको देख रहा है बेनकाब होते हुए। एक बार फिर से गुड़िया में आपका रुख करते हुए, ठीक है हो गई आपकी बात, उस बेटी पर देश विश्वास करेगा, आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। राजनीति मत चमकाइए, उस बेटी की बातों पर विश्वास कीजिए जो पीड़ित है इस समय, जिसने अपने पिता को खोया है। दर्द समझते हैं आप इसका? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के। अरे मैं पूछ तो रही हूँ सवाल, भारतीय जनता पार्टी की उनकी निकम्मे पुलिस पर पूछ रही हूँ मैं सवाल, लेकिन नेता अगर आपका है तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्या गुंडों को पाल के रखा है आप लोगों ने? क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? जब तक पुलिस का संरक्षण नहीं होगा कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। आप पार्टी से निकलने को भी तैयार हैं? गुड़िया मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि वक्त हमारे पास कमी है, स्तुतु मैम से बाहर निकलते हुए आप क्या चाहती है? मेरा अगला ये सवाल है, सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है की एनएसए लगा दिया गया है और जैसे ही बाकी के आरोपी पकड़ में आएंगे उनको सलाखों के पीछे उनकी जगह पर भेज दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? क्या चाहता है पूरा का पूरा परिवार? गुड़िया बताइए आप। मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो गुड़िया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, चार अभी भी फरार हैं, पूरे मामले में क्या किस तरह से इंसाफ की मांग आप लोग कर रहे हैं? मेरे पापा की चिता जल गई, मेरे पापा का अभी तक वो आरोपी नहीं मिला, बस मुझे ये बस वो चाहिए, जैसे उसने मेरे पापा को मारा है मुझे बस वैसे ही उसकी मौत चाहिए, बस मुझे वही चाहिए, तभी मेरे पापा को न्याय मिलेगा और मुझे न्याय मिलेगा। प्लीज़ योगी जी, प्लीज़ मोदी जी, मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, प्लीज़ बस मुझे न्याय दिलवा दो, प्लीज़ मुझे उसकी मौत चाहिए, बस मुझे उसकी मौत चाहिए कैसे भी, मैं मरना मैं मर जाऊंगी फांसी लगा के। मैं क्लियर बोल रही हूँ आज मीडिया पे, मुझे उसकी मौत नहीं मिली तो मैं खुद मर जाऊंगी फांसी लगा के, मैं क्लियर बोल रही हूँ आप लोगों को। उसने मेरे पापा को बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा, मुझे प्लीज उसकी मौत चाहिए, मुझे मौत चाहिए उसकी बस। मोहसिन रजा वो गुहार लगा रही है योगी मोदी सरकार से, मौत चाहिए आरोपियों की। हम और हमारी सरकार पूरा उस परिवार के साथ में है और अपराधी के खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, जो वो बच्ची चाहती है ईश्वर करेगा हम अदालत के तहत उसको वही सजा तक दिलाने के प्रयास करेंगे, लेकिन एक कानून की प्रक्रिया होती है आप भी जानती हैं, लेकिन हमारी पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है और हमें सरकार की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि माननीय योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम उसके खिलाफ एनएसए लगाएंगे, जो और लोग हैं उनके खिलाफ भी, और ये जो लोग टोपी वाले घूम रहे हैं शर्म आना चाहिए इनको, टीवी पर बैठने से पहले वो बेटी अपने पिता की मौत की बात बता रही कि किसने मारा है, समाजवादी पार्टी के नेता ने मारा है, और उस पर बयान जिस तरह से समाजवादी प्रवक्ता दे रहे हैं ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। अब इससे गिरी बात और कोई हो नहीं सकती, जिस तरह से अनुराग भदौरिया ने आज उस बेटी को झुठलाने का काम किया जिसने अपने बाप को अपनी, लेकिन मोहसिन रजा साहब आपको अपनी पुलिस वालों को भी देखना होगा, जब बेटी गुहार लगाती है तो पुलिस वाले 112 पर डायल करने के लिए कहते हैं, अगर थोड़ी सी सक्रियता वहां पर चौकी इंचार्ज ने दिखाई होती तो आज इस समय तस्वीर शायद और अलग हो सकती थी, लेकिन पूरा देश गुड़िया आपके आपके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मुश्किल भरा ये वक्त है, आपने अपने परिवार को खोया है, पिता को खोया है, आप यकीनन
कोई ढांझट के ज्यादा शब्द नहीं हो सकते, लेकिन इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ है तब तक जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।